झारखंड में आहू त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर क्लस्टर व बूथों का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों ने किया। प्रथम चरण का चुनाव गोमिया और पेटरवार प्रखंड में होना है। चुनाव प्रचार का गुरुवार को आखिरी दिन है। चुनाव को लेकर बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा ने क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान गोमिया प्रखंड के उच्च विद्यालय होसीर रेक सेंटर आईईएल क्लस्टर का निरीक्षण किया गया। गोमिया में 19 क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा तुलबुल ललपनिया मुरपा सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्लस्टर पर बने व्यवस्था को देख तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बने बूथों का भी जायजा लिया गया। बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा कि चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां अत्यधिक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के लिए अलग व्यवस्था एवं जहां राजनीतिक गहमागहमी की गुंजाइश है, उसके लिए अलग तरह की व्यवस्था सुरक्षा को लेकर की गई है। जिस प्रकार से गोमिया और पेटरवार में जो पहला मतदान फेज में जो चुनाव होना है और यहाँ के क्षेत्र की सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग देखते हुए नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य प्रकार से संवेदनशीलता जो है उसको लेकर के बड़े ही डिटेल में प्लानिंग की गई है और बूथ को उसी हिसाब से सेग्रीगेट किया गया है। और इसमें जो खासकर जो नक्सल बूथ है या जो कभी नक्सल पॉइंट से सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर किस प्रकार का SOP है मूवमेंट का या क्लस्टर पॉइंट से पहुँचने का, उसका भी हम लोगों ने डिटेल प्लान बनाया हुआ है। उसी के रेफरेंस में आज हम लोग संयुक्त रूप से हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ में हम लोग यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। हम लोगों ने मूलतः क्लस्टर पॉइंट्स को भी चेक किया है और जो इंटीरियर एरिया के जो बूथ हैं वहाँ पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं। रूट चार्ट जो हम लोगों ने बनाया है टीम के माध्यम से उसको भी क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कहीं उसमें डिविशंस तो नहीं है। और अभी तक जो हम लोगों ने करीब 20-22 बूथ जो विजिट किए हैं उसको देखने से जो स्थिति है कि तैयारियाँ लगभग सब जगह पूरी हो गई हैं और कल पोलिंग पार्टी वहाँ से जिला मुख्यालय से डिस्पैच होगी जो संभवतः उसके बाद में अपने क्लस्टर पॉइंट्स और बूथ पर पहुंच जाएगी। वहीं जिले के SP चंदन कुमार झा ने कहा कि चुनाव को लेकर CRPF जिला पुलिस रैफ सभी प्रकार के सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त किया गया है। जहां जिस प्रकार की सुरक्षा की जरूरत होगी वैसा कदम उठाया जाएगा। ये पहला फेज जो है हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण, उसी हिसाब से CRPF डिस्ट्रिक्ट पुलिस जैप और अन्य फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। कोई भी ऐसा बूथ या कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं है। हम लोग मोर देन रिक्वायर्ड फोर्स हम लोग को मिला है तो हम लोग सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। संवेदनशील बूथों को अति संवेदनशील अगर नक्सल कारण से है तो उसको अलग उसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए अलग तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट है। राजनीतिक या कोई और सामाजिक कारण है तो उसको अलग तरह से डिप्लॉयमेंट है। सारे चीज़ को डिसाइड करने के बाद ही आज हम लोग को जो विजिट हुआ है उससे पहले ऑलरेडी 2-3 राउंड हम लोगों ने उस चीज़ को स्टडी किया है और उसी के हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉय किए हैं। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।